शिवसेना के स्थापना दिवस पर आमतौर पर हिंदुत्व, मराठा, छत्रपति शिवाजी जैसे शब्द सुनाई देते हैं, लेकिन इस बार शिवसेना के मंच से गद्दारी, जोकर और धोखा जैसे शब्द सुनाई दिए। आज शिवसेना का स्थापना दिवस था, लेकिन यह पहला मौका था जब स्थापना दिवस पर शिवसेना के दो गुट थे और दोनों गुटों ने अलग अलग कार्यक्रम किए। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा तो शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर विचारधारा से गद्दारी का आरोप लगा दिया। दोनों ने ही अपनी शिवसेना को असली शिवसेना और बाल ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने वाला बताया। लेकिन महाराष्ट्र की जनता किसे बाला साहब ठाकरे का असली विरासत मानती है, इसके लिए तो आपको चुनाव तक इंतजार करना होगा। शिवसेना के बंटवारे के ठीक एक साल बाद पहली बार एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ने अपनी ताकत दिखाई। बाला साहेब ठाकरे की विरासत की लड़ाई एक स्टेप और आगे जाते हुए दिखाई दी। दोनों नेताओं ने शिवसेना का 57वां स्थापना दिवस मनाया और रैली की। शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने गोरेगांव के नेस्को ग्राउंड से, तो शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सायन के षणमुखानंद हॉल से हल्ला बोला। सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर खुलकर प्रहार किया। शिंदे ने कहा, उद्धव ने स्वार्थ के लिए बाला साहेब के विचारों से धोखा कर दिया। बाला साहेब ने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया था, लेकिन उद्धव कांग्रेस के साथ हो लिए। तुम्हें सत्तेसाठी, खुर्चीसाठी, स्वार्थासाठी बाळासाहेबांचे विचार तोडले। बाळासाहेबांची भूमिका मगाशी व्हिडिओ दाखवला, म्हणाले बाळासाहेब म्हणाले होते, काँग्रेस बद्दल बोलले, माझी काँग्रेस होऊ देणार नाही, ज्या दिवशी काँग्रेस होईल त्या दिवशी माझं दुकान बंद करेन। हे बाळासाहेबांचे विचार। तुम्ही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी बरोबर गेलात, जे बरोबर बोललात, ही गदारी तुमचीच केली, तुमच्या पोटातलं ओटात निघालं, पोटातलं ओटात निघालं, आणि म्हणून तुम्ही आमच्यावर गद्दार, मिंदे काय काय आरोप करताय, काय काय घाणेरडे आरोप करताय, परंतु यामुळे तुम्हाला सिंपती मिळणार नाही, कारण ज्याने बाळासाहेबांच्या विचारांशी धोका केला सहानुभूती मिळणार नाही, ज्यांनी या देशात या राज्यातल्या मतदारांशी द्रोह केला त्यांना सहानुभूती मिळणार नाही। निवडणुका आपण शिवसेना भाजपा युती म्हणून लढवल्या की नाही, आणि आपण सरकार कुणाबरोबर केलं, तर ज्यांना बाळासाहेबांनी दूर ठेवलं होतं त्यांच्याबरोबर। शिवसेना का स्थापना दिवस मनाने पहुंचे उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस पर जमकर हमला बोला। उद्धव ने अपने मंच से फडणवीस की एक ऑडियो क्लिप सुनाई और उनको कॉमेडियन करार दे दिया। आमचं तर हास्य यात्रा चालूच असते, आणि काल हास्य यात्रेमधला आणखीन एक प्रयोग म्हणजे आपल्या राजकारणातल्या देवेंद्र फडणवीसांनी सादर केला। आणि नुसते एवढं बोलल्यानंतर तुम्ही हसताय, तर त्यांनी केलेला प्रयोग तुम्हाला सांगितला तर आणखीन हसाल। तो व्हिडिओ आहे माझ्याकडे, व्हिडिओ आहे का बघा ना, तो बोलताच त्यामध्ये फडणवीसांचाच लागेल। आज आपण सगळे या ठिकाणी एकत्रित बसलोय का बसू शकलो, या करता बसू शकलो की कोविडची वॅक्सिन मोदीजींनी तयार केली आणि कुठून यांच्या डोक्यात व्हायरस घुसलं तेच कळत नाही। बघा आहे ना, हास्य यात्रेपेक्षा जास्त लाफ्टर आम्ही राजकारणी येतो। कोविडची लस मोदीजीने तयार केली, मग बाकीचे काय गवत उपटत बसले होते, संशोधक काय गवत उपटत बसले होते, फायझर काय ते हे असे सगळे अंध भक्त म्हटल्यानंतर आणि त्यांचे सगळे गुरु म्हटल्यानंतर खरोखर यांना कोणतं वॅक्सिन द्यायचं ते आता ठरवावं लागेल, यांना वॅक्सिन देण्याची गरज आहे।
अब इन तीन तस्वीरों को समझिए। आज से ठीक एक साल पहले यानी 19 जून 2022 को जब शिवसेना अपना 56वां स्थापना दिवस मना रही थी, तब मंच पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक साथ नजर आ रहे थे। इस मंच से उद्धव के साथ साथ शिंदे को भी शिव सैनिकों को संबोधित करना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शिंदे ने यहाँ भाषण नहीं दिया, शिंदे के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। 20 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने उद्धव के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। शिवसेना की स्थापना दिवस से पहले शिंदे और ठाकरे गुट का पोस्टर वॉर सामने आया। बांद्रा के कला नगर में दोनों ही गुटों ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे। शिंदे गुट के पोस्टर में छत्रपति शिवाजी महाराज, बाला साहब ठाकरे के साथ साथ आनंद दिघे और सीएम एकनाथ शिंदे की तस्वीर दिखी। साथ ही महाराष्ट्र का नक्शा भी था, जबकि शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट के पोस्टरों में बाल ठाकरे, उद्धव और आदित्य की तस्वीरें थी। पोस्टर के नीचे लिखा था, ये वफादारों का मिलन है, शिवसेना परिवार दुनिया से अलग है। एकनाथ शिंदे की गुट की ओर से बड़े पैमाने पर होर्डिंग्स जो है की गई है, वहीं दूसरी ओर उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की ओर से भी स्थापना दिवस के लिए बड़े पैमाने पर होर्डिंग है। उद्धव ठाकरे की होर्डिंग की बात कर लें तो निष्ठावंतांचा कुटुंब सोहळा, शिवसेनेचा परिवार जगा वेगळा, यानी कि जो निष्ठावान है, जो ईमानदार है, उनका आज जो है संगठन षण्मुखानंद हॉल में नजर आएगा, इस तरह का आशय स्थापना दिवस पर होर्डिंग में नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे की ओर से कहा गया है कि जो बाघ है और उसकी जो विरासत है वो हमारे साथ है। मुंबई से बाहर भी एक रैली हुई, ये रैली थी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की, वो भिवंडी में थे। इस रैली से फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर डायरेक्ट अटैक किया। फडणवीस ने कहा कि उद्धव की सरकार में करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश हुआ, जिसकी जांच एसआईटी से कराई जाएगी। तुमच्या चेहऱ्यावरती थुंकी पडते आहे, पण बंधू भगिनींनो, आता यांचा पर्दाफाश करायचं ठरलं। आजच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजींनी या ठिकाणी मुंबईच्या महानगरपालिकेमध्ये सीएजीच्या रिपोर्टमध्ये आलाय 12,500 कोटी रुपयाचा घोटाळा, त्या ठिकाणी शिवसेनेच्या उद्धवजींच्या नेतृत्वात झालाय। आजच एकनाथराव शिंदेंनी त्याच्यावर एसआयटी तयार केली आहे आणि आता त्या एसआयटीच्या माध्यमातून जो जनतेचा पैसा तुम्ही तुमच्या तिजोरीत नेलाय, त्यातली पैन पै वापस आणण्याचं काम हे या ठिकाणी आमचं सरकार निश्चितपणे करेल। उद्धव ठाकरे को बीते दो दिनों में दो बड़े झटके लगे हैं। शनिवार को शिवसेना यूबीटी के डिप्टी लीडर शिशिर शिंदे के इस्तीफे के बाद मनीषा कायंदे ने भी उद्धव का साथ छोड़ दिया। मनीषा कायंदे उद्धव गुट की एमएलसी थीं और पार्टी की प्रवक्ता भी। मनीषा ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया। क्या फर्क पड़ेगा, ये कहां से आई मालूम नहीं, कहां गई मालूम नहीं, उनको पार्टी में किसने लाया मुझे मालूम नहीं, और किसने उनको एमएलसी देने को कहा मुझे मालूम नहीं। ऐसे लोग आते हैं और चले जाते हैं, मैं उसको कचरा कहता हूँ। कचरा जब हवा आती है तो कचरा उड़ जाता है। स्पोकर्सन अपॉइंट किया दूसरा? हमने नहीं किया, जिसने किया होगा मुझे मालूम नहीं। हम ऐसे लोगों को मानते नहीं, मैं एक पार्टी का वफादार सिपाही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।